दो गाय बंधी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, एक ये है हमारी गाय और एक ये है, ठीक है। और ये है इवनिंग टाइम, शाम का टाइम है और इस समय इनका हो रहा है दूध निकालने का टाइम, और वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये शाम का टाइम है और यहाँ पे ये हमारी भाभी दूध निकालेंगी, और ये आ चुका है गऊ माता का प्यारा सा बच्चा, देख सकते हैं आप। और अब इस गऊ माता का निकाला जाएगा दूध। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा हमारी वीडियो में, क्योंकि जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि गाय के दूध की, तो देखिए आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं काउ मिल्किंग बाय हैंड के हाथ से किस तरह निकाला जाता है गाय का दूध। और वैसे आजकल मशीनें भी आ रही हैं सब कुछ, लेकिन हमारे यहाँ हमारे गाँव में हाथ से ही निकाला जाता है दूध। और ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे गऊ माताएं बंधी हुई हैं, दोनों की दोनों गऊ बंधी हुई हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स ओरिजिनल साउंड में, और जैसी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी वैसा ही वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है हमारा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस जिसको सीखना है दूध निकालना तो वो आ सकते हैं, और जिसको दूध भी लेना है यहाँ से वो भी यहाँ आ सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि पूरा का पूरा थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा बड़ा वीडियो, तो वही बड़ा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और स्टार्टिंग से ही काउ मिल्किंग मैं आपको दिखा रही हूँ बाय हैंड, तो आप लोग भी लास्ट तक बने रहिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और देखो ये गऊ माता भी देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, और ये मुझे पहचान रही है क्योंकि मेरी मुलाकात इन गऊ माता से पहले भी हो चुकी है, तो ये मुझे पहचान रही है कि ये फ़ोटोग्राफ़र पता नहीं कौन है जो बार बार मेरी निगाहों के सामने आ जाता है। और जैसे कि जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है, कि किस तरह से क्या प्रक्रिया रहती है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। और मैं यहाँ पे ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि जिस समय पशु दूध दे रहा होता है उस समय ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, वरना रहता है कि पता चला लात वगैरह मारने का डर रहता है। हाँ तो देखिए कहते हैं ना इसकी टांगे बांध रखी हैं, लातने का डर रहता है पशु का, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए।
देखिए हमारी भाभी ने निकाल लिया है दूध, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और ये हमारी गौ माता का बच्चा, जो लास्ट में दूध निकालने के बाद, क्योंकि बच्चे को भी चाहिए होता है, तो अब ये बच्चा छोड़ा जाएगा और ये भी दूध पिएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा, बने क्या, अब मैं लास्ट करती हूँ वीडियो का, क्योंकि जो भी था मैंने पूरा वीडियो आपको दिखा दिया है कि किस तरह गाय का दूध निकाला जाता है। तो हो सकता है आप लोगों को पसंद आया हो। और ये देखिए हमारी गौ माता, ये बछड़ा दूध पी रहा है। और यहीं पे अब मैं एंड करती हूँ अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स लास्ट में फिर वही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और जो भी न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही हमारे चैनल को जाएं। ऐसे ही जिस तरह का वीडियोस आप लोग चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आप लोगों के लिए उसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, आपकी रिक्वेस्ट लेकर, जैसे भी रहती है आपकी रिक्वेस्ट। और सलाम है मुझे ऐसे हार्ड वर्कर्स का, जो गांव में देख सकते हैं कितनी गर्मी है सब कुछ, और फिर भी कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो मैं करती हूँ गांव के लोगों को सलाम, इनके हार्ड वर्क को करती हूँ सलाम। बाय बाय।